यूपी 2022 विधानसभा चुनाव से पहले जनपद बुलंदशहर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बुलंदशहर में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान में पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में अवैध हथियार बनाने की 2 तमंचा फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने जहां छतारी थाना क्षेत्र स्थित ट्यूबवेल के खंडर में चलाई जा रही फैक्ट्री पर छापा मारा, तो वहीं खुर्जानगर पुलिस ने भी एक ऐसी ही अवैध तमंचा फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की है। छतारी पुलिस ने मौके से 17 बने हुए और 6 अधबने तमंचे सहित हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। साथ ही मौके से एक दिव्यांग युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र में चुनाव से पहले सक्रिय हुए 2 हथियारों के सौदागरों को गिरफ्तार करते हुए यहां भी अवैध शस्त्र की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। खुर्जानगर पुलिस ने यहां से करीब आधा दर्जन बने हुए और 6 अधबने तमंचे बरामद किए हैं, जबकि पुलिस का दावा है कि ये लोग चुनाव के आगाज के बाद ही सक्रिय हुए हैं। तस्करों द्वारा तैयार किए जा रहे हथियार मार्केट में उतरकर आग उगल पाते उससे पहले ही बुलंदशहर पुलिस ने इन फैक्ट्रियों का खुलासा कर डाला। पुलिस का दावा है कि भयमुक्त चुनाव के लिए पुलिस की टीमें जनपद के अलग अलग थाना क्षेत्रों में विशेष अभियान चला रही है। उसी के तहत दोनों थाना क्षेत्रों में ये कार्रवाई की गई। रात्रि में छतारी पुलिस को मुखबिर द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना दी गई, जिस सूचना पर स्वाट टीम के भी 2 कर्मचारी मौके पर आ गए। ग्राम सालाबाद की ओर से जाने वाले बंबा पटरी पर एक बंद पड़ा हुआ ट्यूबवेल है, जिसकी कोठरी में कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध शस्त्र बनाने का कार्य किया जा रहा था। पुलिस की आहट से 2 अभियुक्त मोटरसाइकिल पर फरार हो गए, परंतु घेराबंदी कर एक मुख्य आरोपी जिसका नाम समून अली है उसको गिरफ्तार किया गया। वह मूलतः जनपद मेरठ का निवासी है। पूछताछ के दौरान इसके द्वारा बताया गया कि जिस क्षेत्र में ज़्यादा डिमांड होती है, ये लोग उस क्षेत्र में जंगल में किसी सुनसान स्थान पर अवैध शस्त्र तैयार करने का कार्य करते हैं। अभियुक्त समून अली शारीरिक रूप से विकलांग है, जिससे उस पर किसी भी अवैध कार्य में लिप्त होने का कोई शक नहीं होता। इस सफल अभियान में छतारी पुलिस को मौके से भारी मात्रा में बने एवं अधबने तमंचे एवं अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण भारी मात्रा में बरामद हुए हैं, जिसमें 14 तमंचे, 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस, 315 बोर, 3 तमंचे, 12 बोर, 1 जिंदा कारतूस, 12 बोर, 5 अधबने तमंचे, 315 बोर, 1 अधबना तमंचा, 12 बोर, 1 स्पेंडर प्लस मोटरसाइकिल भी मौके से बरामद हुई है। इसके अलावा अवैध शस्त्र बनाने के लिए जो उपकरण इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जिसमें आग जलाने की चरखी, 1 शिकंजा, 1 ठिया, 1 हथौड़ा, 2 आरी मै ब्लेड, 1 रेती, 3 आरी के ब्लेड, 1 सुम्मी, 2 छैनी, 2 संडासी एवं ऐसे बहुत सारे अन्य उपकरण हैं जिन्हें अवैध शस्त्र बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, वह भी मौके से बरामद हुए हैं। इस तरीके से थाना छतारी द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कार्य एवं अवैध शस्त्र बनाने का खुलासा किया गया है। फैक्ट्री पकड़ी गई है, क्या है मामला, कितने आरोपी पकड़े? देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए DIG सर के कुशल नेतृत्व में खुर्जानगर की पुलिस लगातार एंटी सोशल एलिमेंट पर नज़र बनाए हुए है। उसी के क्रम में कल खुर्जानगर की पुलिस ने एक अच्छा गुडवर्क किया है, जिसमें 2 आरोपी हैं मुश्ताक और योगेश। ये लोग जो हैं अवैध तमंचे बना रहे थे और मुखबिर की सूचना पर इनको पहले से हम लोगों ने पकड़ लिया है। पूर्व में भी इनके खिलाफ मुकदमे रहे हैं। आगामी चुनाव के दृष्टिगत इनको लगा कि हम लोग फिर एक्टिव हो जाएं और डिमांड हम लोग सप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले ही अच्छा काम करते हुए हम दोनों को चोरों को पकड़ लिया है। इनके कब्जे से 6 असलाह मिले हैं, 6 अधबने असलाह बने हैं और तमाम जो औजार हैं, पाइप्स वगैरह हैं, स्प्रिंग हैं, जो तमंचा मारने में काम आते हैं, वो भी इनके पास से मिले हैं। उस्ताद में कुछ पता चल सका है सर, कितने दिन से ये एक्टिव थे, कब से बना रहे थे? देखिए, ये पिछले साल पकड़े गए थे, उसके बाद शांत हो गए थे। इनको लगा था कि चुनाव आएगा तो फिर हमारा धंधा चलेगा, इस एंटिसिपेशन में ये बना रहे थे। और फिर भी इनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है कि कहाँ कहाँ देते थे, वो भी हम लोग लिंक और इनका नेटवर्क खोजेंगे। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनाव के संबंध में ये बनाए जा रहे थे, चुनाव के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जी, हमारा एंटिसिपेशन ऐसा ही है कि इनको भी ऐसे लगा कि चुनाव आएंगे, कुछ लोग डिमांड करेंगे, बट अभी कहीं बेच नहीं पाए थे, बना ही रहे थे, पकड़ लिया लोगों ने। Time24 न्यूज के लिए बुलंदशहर से हामिद सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।